हेलो दोस्तों, तो ये बॉस का GSR 120L आएगा। ये मैंने आज से अपने 6 महीने पहले लिया था और इसका मैंने रिव्यू भी करा था अपने चैनल पे। तो 6 महीने हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, ये आप सुन सकते हो इसमें। इसके अंदर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, शायद से कोई गियर बॉक्स टूट गया, इसका गरारी टूट गई है या फिर कुछ हट गया है। तो आज इसको खोलेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है और इसको ठीक करेंगे आज। तो इसमें स्टार टाइप के नट और बोल्ट लगे हैं, स्टार टाइप के ये, पर मैं ये नॉर्मल फ्लैट हेड वाले से खोलूँगा इसको, इससे खुल जाएगा। आप भी ट्राई कर सकते हो उसे। यहाँ पे एक पिन होती है, इसे खोलना मत बोलना नहीं तो नहीं खुलेगा ये। इसको ऐसा खींच लेना है, पिन निकल जाएगी बाहर। इसकी मोटर वगैरह बाहर आ गई, इसका स्विच, और ये बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया। शायद से इसका ये एक निकल गया था जिसके कारण ऐसा हो रहा था ये। एक बार इनके सारे गियर चेक करने हैं, किसी का मतलब कोई टूटा वूटा तो नहीं है, वो देख रहा हूँ मैं भी। तो इसमें तो मुझे कुछ भी टूटा हुआ लग नहीं रहा। तो एक बार इसे वापस से साफ करके और इसमें ग्रीस लगा के इसको पैक करके देखते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ सही हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि मुझे अभी इसमें कुछ भी ख़राब नहीं दिख रहा। चलो तो इसको साफ कर लेते हैं। साफ करने के लिए इन सबको मैंने पेट्रोल लिया है, पेट्रोल से साफ हो जाएगा सही से।
थोड़ा सा और। और मैं ब्रश ले रहा हूँ। तो इसको मैंने पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, तो अब इसको जोड़ने की बारी है। तो पर मैं जोड़ने से पहले जो इसका बचा कुछ आइटम है ये सारा, इनको भी धो लेता हूँ क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो गया। अब मैंने इसको खोला है तो इन सबको सही से साफ़ करके उसके बाद इनको असेंबल करता हूँ। तो चलो इसको धो लेते हैं, इसको साफ़ करेंगे, इसको नहीं धोएंगे क्योंकि ये ख़राब हो सकता है। इनको धो लेंगे बच्चों को, सामान को। तो ये सारा कुछ साफ़ हो गया सही से, तो अब इसको असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने के लिए हमें ये चाहिए होगा, असेंबल करने के लिए क्या हर चीज़ के लिए चाहिए होता है जब भी हम गियर पे पूछते हैं, ये ग्रीस हैगा।
और इसका एक फ़ायदा और है कि जैसे कि यहाँ पे बॉल बैरिंग्स लगेंगी, अगर हम पहले ग्रीस लगा देंगे और उसके बाद बॉल बैरिंग्स डालेंगे तो वो वहाँ पे टिकी रहेंगी, हिलेगी नहीं और काम करते समय, तो इसका बहुत फ़ायदा है। तो इसको लगा लेते हैं पहले। सही से लगानी है, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मशीन जब चलेगी और ये हीट होएगा तो ये निकलने लगेगा, तो कम हो जाएगा तो फिर इसमें आवाज आएगी। तो सबसे पहले ये लगेगा, उसके बाद ये लगेंगे, तीन होंगे ऐसे सिलेंडर टाइप के। अभी ये लगेगा, थोड़ा सा ये और लगा लेंगे। अभी बॉल बेयरिंग लगेंगे इसकी। सारी बैरिंग्स लग गई हैं, अब ये वाला पार्ट लगेगा इसका। इसके बाद थोड़ा सा और ग्रीस लगा देंगे यहाँ पे। अभी ये जो इसके तीन दिख रहे हैं, एक दो तीन, इनमें सबसे मोटी वाली ये लगेंगे गियर्स, ये सबसे मोटे हैं यहाँ पे, ये वाले देख लेना सबसे मोटे होंगे, ये लगेंगे यहाँ पे। अब इसको
बंद करना है। बंद करने के लिए सबसे पहले इसकी जो प्लेट है ये लगेगी इस पे। ये लग जाने के बाद ये जो रिंग है इसको पकड़ना है, यहाँ पे पहले बैठा देना इसको सही से, और उसके बाद इसको स्लाइड करना है अंदर की तरफ उल्टा, ऐसे निकल जाएगी है। और जैसे इसको स्लाइड करोगे अंदर में, देखो चली गई ना एकदम प्यार से, ये वो ये ऐसे इसको स्लाइड कर देना अंदर चली जाएगी फिर ये। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर ये लगेगा। अब इसको लगाने के लिए इसको इस तरह से इधर रखना है। इससे पहले मैं थोड़ा ग्रीस लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये भी लग गया अच्छी तरह से, ऐसे चेक कर लेना ये ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो सही से लग गया है। अब इसको इसके साथ मैच करा के इसमें लगा देना है। तो इसको एक बारी मैच कर लेते हैं, कौन सा है किधर का, ये परफेक्ट तरीके से लग गया। 50% काम हो चुका है यहाँ पे। तो अब एक बार इसको ऐसे ही चेक कर लेंगे बिना पैक करे। और अब इसकी आवाज़ भी चली गई वो जो आ रही थी बेकार सी। तो बस अब इसे पैक कर लेते हैं, एक काम रह गया लास्ट। एक लास्ट टाइम बार और चला के देखते हैं।
बस ये। अब इसके सारे स्क्रूज लगा लेते हैं जल्दी से। अभी पिन भी लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हो इसमें जो भी पहले वॉइस थी वो सारे जा चुकी है मेरे ख्याल से। इसमें जो उसके गियर थे उसी में शायद या तो ग्रीस कम था तो कोई हट गया था। अभी एकदम बढ़िया चल रही है और मस्त आवाज़ आ रही है इसमें से। अब शायद इसमें कोई दिक्कत आएगी, आएगी तो फिर ठीक करेंगे खोल के। तो आपने देखा ये बढ़िया चल रही है। अब तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा।